कुछ दिनों पहले सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस का कॉम्पिटिटर था एप्पल का आईफोन 11 प्रो, बट Xiaomi ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस का कॉम्पिटिटर है उनका खुद का ही हाल ही में लॉन्च हुआ Xiaomi का MI10, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है। बट हर कोई अपने स्मार्टफोन को बेस्ट बताता है, स्पेशली अगर उस स्मार्टफोन की प्राइस बाकी स्मार्टफोन से कम होनी चाहिए। फिर उस स्मार्टफोन में किसी भी तरीके के स्पेक्स क्यों ना हो, उसमें सिर्फ फ्लैगशिप लेवल के दो स्पेक्स होने चाहिए, जिसमें कि वो एक 5G स्मार्टफोन आना चाहिए और इसी के साथ उसमें Qualcomm Snapdragon का 845, 855 या फिर 865 वाला प्रोसेसर होना चाहिए, फिर बन गया वो एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस। तो क्या इसी तरीके से Xiaomi ने अपने MI10 को Samsung Galaxy S20 Plus का कमाल का कॉम्पिटिटर बताया है, या फिर आप कंफ्यूज है कि Samsung Galaxy S20 सीरीज की तरफ जाए या फिर जाए Xiaomi के MI10 की तरफ, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है। तो आपका यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन का फुल ऑन कंपैरिजन करेंगे, सब कुछ चीजों का जो है वो डिटेल में कंपैरिजन करेंगे एंड आपको बताएंगे कि आपको Samsung की तरफ जाना चाहिए या फिर Xiaomi की तरफ जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ऐसे इंटरेस्ट रखते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए या फिर स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए, तो हमारे इस वेक्टर टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की डिजाइन की एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे हमें दोनों स्मार्टफोन में काफी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी एंड प्रीमियम डिजाइन देखने मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में हमें फ्रंट एंड बैक साइड की तरफ से कर्व एजेस देखने मिलते हैं, इसकी वजह से दोनों स्मार्टफोन दिखने में काफी प्रीमियम भी लगते हैं। और इसी के साथ दोनों स्मार्टफोन में हमें फ्रंट एंड बैक साइड की तरफ से ग्लास का पैनल देखने मिलता है। तो यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है। Samsung Galaxy S20 Plus में हमें दो कलर ऑप्शन देखने मिलते हैं, कॉस्मिक ब्लैक एंड कॉस्मिक ग्रे। इसके साथ कर्व एजेस के साथ ये स्मार्टफोन हमें काफी लार्ज साइज में देखने मिलता है, तो काफी प्रीमियम डिजाइन भी Samsung Galaxy S20 में हमें देखने मिलते हैं। S20 सीरीज की जो USB है बैक साइड की तरफ से L शेप में रेक्टेंगुलर कैमरा सेटअप हमें देखने मिलता है, तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन बैक साइड से काफी कमाल का देखने मिलता है। और यहाँ पे अगर MI10 की बात करें तो यहाँ पे भी हमें दो कलर ऑप्शन देखने मिलते हैं, कॉर्नल ग्रीन एंड ट्वाइलाइट ब्लैक। तो यहाँ पे ये दो कमाल के कलर ऑप्शन भी हमें देखने मिलते हैं। और ये स्मार्टफोन में बैक साइड की तरफ से काफी कमाल का देखने मिलता है, वर्टिकल शेप में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने मिलता है। तो ओवरऑल बात करें दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की एंड डिजाइन की, तो काफी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी एंड कमाल की डिजाइन हमें देखने मिलती है। दोनों स्मार्टफोन हमें काफी लार्ज साइज में देखने मिलते हैं, बट S20 प्लस थोड़ा सा बड़ा है हाइट के मामले में भी एंड थिकनेस के मामले में भी। बट यहाँ पे अगर इसकी वेट की बात करें तो यहाँ पे इसका वेट है 88 ग्राम का, तो MI10 का वेट है 208 ग्राम का, जस्ट बिकॉज इसमें हमें थोड़ी सी बड़ी बैटरी देखने मिलती है S20 प्लस से। दोनों स्मार्टफोन हमें काफी लार्ज साइज में देखने मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में हमें काफी लार्ज स्क्रीन देखने मिलती है। मार्केट में के सबसे बेहतरीन डिस्प्ले आपको इन दोनों स्मार्टफोन में देखने मिलेगी। हालांकि OnePlus 8 सीरीज का डिस्प्ले इन दोनों से थोड़ा सा बेहतरीन है, बट हम कंपेरिजन कर रहे हैं Samsung का एंड Xiaomi का, तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में भी हमें काफी कमाल के डिस्प्ले देखने मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में हमें पंच होल के साथ डिस्प्लेस देखने मिलते हैं, S20 प्लस में हमें मिडल में पंच होल देखने मिलता है, तो MI10 में हमें लेफ्ट साइड की तरफ से पंच होल देखने मिलता है। बट दोनों पंच होल काफी टाइनी साइज में हमें देखने मिलते हैं, तो काफी लार्ज डिस्प्ले आपको इन दोनों स्मार्टफोन में देखने मिलता है। इसी के साथ दोनों डिस्प्ले हमें कर्व साइज में देखने मिलते हैं, बट थोड़ा सा ज्यादा कर्व MI10 का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपेयर की बात करें तो MI10 में थोड़ा सा बेहतरीन डिस्प्ले देखने मिलता है S20 प्लस से। MI10 में हमें देखने मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस एक AMOLED डिस्प्ले, जिसमें कि यूज की गई है 3D कर्व E3 की टेक्नोलॉजी, तो ये काफी कमाल का डिस्प्ले है। इसी के साथ ये डिस्प्ले सपोर्ट करता है HDR 10 प्लस को, और यहाँ पे हमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो गेमिंग आप काफी स्मूथ तरीके से कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात करें S20 प्लस की, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बड़ा 6.7 इंच का क्वाड HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें 2x पैनल भी लगाया गया है, तो ये डिस्प्ले थोड़ा सा कमाल का है। और इसी के साथ ये डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है HDR 10 प्लस को, बट यहाँ पे हमें Samsung Galaxy S सीरीज में फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, काफी कमाल का एंड काफी स्मूथ डिस्प्ले आपको S20 प्लस में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात करें तो S20 प्लस में हमें काफी कमाल का क्वाड HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, थोड़ा सा बड़ा है एंड यहाँ
यहाँ पे हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें MI 10 की तो यहाँ पे ये डिस्प्ले ज़्यादा कर्व भी है, ज़्यादा ब्राइट भी है, और इसी के साथ यहाँ पे हमें ट्रू कलर का ऑप्शन भी जो है वो देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेस तो काफ़ी बेहतरीन है, बट थोड़ा सा बेहतरीन डिस्प्ले आपको S20 प्लस में देखने को मिलता है। इसी के साथ दोनों स्मार्टफोन में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी फास्ट वर्क करते हैं, बट यहाँ पे इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी डिफरेंट है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर हमें MI 10 में देखने को मिलता है, तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर हमें S20 प्लस में देखने को मिलता है। एंड हम सभी को पता है कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर ज़्यादा सिक्योर होता है कंपेयर टू ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, बट दोनों स्मार्टफोन में के फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट वर्क करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये दोनों एक फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस भी एक फ्लैगशिप लेवल का होगा। डे टू डे लाइफ के साथ साथ मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी लाजवाब होगा, बट यहाँ पे अगर बात आती है गेमिंग की तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से ऐसे हमेशा से ये एक प्रॉब्लम रहता है कि सैमसंग इंडिया में अपने जो S सीरीज वाले स्मार्टफोन लॉन्च करता है उसमें वो उनका खुद का ही एक्सिनोस के प्रोसेसर देता है, तो वर्ल्ड वाइड वो देता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर। तो इंडियन वेरिएंट सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस में हमें देखने को मिलेगा उनका खुद का ही एक्सिनोस का 990 वाला एक प्रोसेसर, जो कि डे टू डे लाइफ के साथ साथ मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छे से करता है। बट यहाँ पे जब बात आती है गेमिंग की तो यहाँ पे आपको थोड़े से फ्रेम ड्रॉप या फिर थोड़ा सा लैकिंग जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो ग्राफिक्स है वो इतना कुछ बेहतरीन नहीं है। एंड इसी के साथ ये जो एग्जीनोस 990 है वो एक 4G प्रोसेसर है, या दोस्तों ये स्मार्टफोन 5G को सपोर्ट नहीं करता है। बट यहाँ पे बात आती है MI 10 की तो यहाँ पे आपको एक फ्लैगशिप लेवल का एक राइवल प्रोसेसर देखने को मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाला, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें कि GPU लगाया गया है एंड्रीनो का 650 वाला, जो कि काफ़ी कमाल के ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी लाजवाब मिलेगा, डे टू डे लाइफ मल्टीटास्किंग तो मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ पे इसकी जो गेमिंग है वो टॉप नॉच की आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी लैक नहीं होगा, बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट दोस्तों अगर आपको गेमिंग के लिए बढ़िया स्मार्टफोन लेना है तो मार्केट में और एक कमाल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है IQ 3, उसमें आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है क्वालकॉम का, बट वहाँ पे आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है उसके मैजिक बटन, उस बटन की वजह से आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा, काफ़ी कमाल का गेमिंग का एक्सपीरियंस आपको IQ 3 में देखने मिलेगा। बट हम बात कर रहे हैं सैमसंग की एंड MI की, तो यहाँ पे अगर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करनी है तो यहाँ पे आपको S20 में काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा मल्टीटास्किंग का, और इसके साथ इसमें काफ़ी कमाल के फीचर भी आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको गेमिंग लाइफ एंजॉय करनी है तो आप बेझिझक MI 10 की तरफ जाइए, क्योंकि इसका ये जो क्वालकॉम का प्रोसेसर है वो काफ़ी टॉप नॉच का है, काफ़ी हेवी ग्राफिक्स के गेम भी आप इस स्मार्टफोन में खेल सकते हैं, तो परफॉर्मेंस के मामले में MI 10 काफ़ी कमाल का है। फ्रंट फेसिंग कैमरे की यहाँ पे बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हमें पंच होल में सेल्फीज देखने मिलती है, जो कि काफ़ी टाइनी साइज में हमें देखने को मिलती है। S20 प्लस में हमें 10 मेगापिक्सल की सेल्फीज देखने को मिलती है, जिसका एपर्चर F2.2 का है, तो MI 10 में हमें 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि AI 2.0 वर्जन के साथ हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन में हमें काफ़ी बढ़िया सेल्फीज देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको अच्छे से डिटेलिंग, अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन एंड आपका बैकग्राउंड भी अच्छे से ब्लर करती है, तो दोनों स्मार्टफोन में बढ़िया सेल्फीज आपको देखने को मिलती है। बट ऑन पेपर आपको MI 10 में थोड़ी सी बड़ी सेल्फीज देखने को मिलती है। बैक साइड की तरफ से दोनों स्मार्टफोन में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। S20 प्लस में हमें प्राइमरी लेंस 12 मेगापिक्सल की देखने को मिलती है, जिसका अपर्चर है F1.8 का, जिसमें हमें डुअल ऑटो फोकस का सपोर्ट देखने को मिलता है। सेकेंडरी लेंस है 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल की, जिसका अपर्चर है F2.2 का। थर्ड लेंस है 64 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस, जो आती है 3x हाइब्रिड जूम के साथ में, जो कि काफ़ी कमाल के फोटोज खींचेगी। और इसी के साथ फोर्थ लेंस है 2 मेगापिक्सल की डिप्स सेंसिंग की, और यहाँ पे आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, इसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप वीडियो शूट करते वक्त फोटोज भी खींच सकते हो, ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आपको कमाल के 8K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड कमाल के फोटोज S20 प्लस में देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे बात करें 108 मेगापिक्सल कैमरा वाले स्मार्टफोन की, जो कि है MI 10 का, तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल की प्राइमरी लेंस देखने को मिलती है, 13 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलती है, एंड 2 मेगापिक्सल के माइक्रोन एंड डिप सेंसिंग के ऐसे 2 लेंसेज देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी बड़ा सा प्राइमरी कैमरा आपको MI 10 में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी
काफ़ी अच्छे से शॉट्स खींचने वाला है, स्पेशली नाइट मोड में। जिस तरीके से किसी प्रोफेशनल कैमरा में हमें फोटोज ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से ऑप्शन आपको इस स्मार्टफोन के कैमरा में देखने को मिलेंगे। रॉ फाइल हो गया और भी तरह तरह के ऑप्शन आपको इस स्मार्टफोन के सेटिंग में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल काफ़ी कमाल का प्रोफेशनल कैमरा इस स्मार्टफोन में जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिनेमैटिक 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि 4 times बेटर है 4K वीडियो से 8K वीडियो। तो आपको काफ़ी कमाल की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको तरह तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, कलर फिल्टर हो गया, बैकग्राउंड ब्लर हो गया, वीडियो मेकर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको इस स्मार्टफोन में के कैमरा में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल एक प्रोफेशनल कैमरा ही आपको आपके स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रही बात दोनों स्मार्टफोन में के कैमरा कंपैरिजन की, तो S20 प्लस में तो बेहतरीन कैमरा है ही, बट यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन कैमरा आपको MI 10 में देखने को मिलता है। एक प्रोफेशनल कैमरा आपके स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ सॉफ्टवेयर एंड इंटरफेस की यहाँ पे बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हमें काफी स्मूथ एंड काफी कमाल के इंटरफेस देखने को मिलेंगे। एंड्रॉइड की लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 10Q दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ OS की यहाँ पे बात करें तो दोनों स्मार्टफोन अपने खुद के OS कैरी करते हैं। MI 10 में हमें देखने को मिलेगा उनका खुद का MIUI का 11 वर्जन, हालांकि MIUI 12 अभी अभी लॉन्च हुआ है, ये बहुत ही जल्दी हमें MI 10 में भी जो है वो देखने को मिलेगा, बट उसके लिए आपको 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा। और रही बात सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उनका खुद का ही UI 2.0 का सपोर्ट, जो कि काफी कमाल का है। दोनों OS काफी कमाल के फीचर के साथ हमें देखने को मिलते हैं, बट अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करनी है तो सैमसंग का UI काफी कमाल का है। तो अगर आपको गेमिंग लाइफ एंजॉय करनी है तो MIUI का UI भी काफी बेहतरीन है। दोनों UI काफी स्मूथ है, बिल्कुल भी लैक नहीं होते हैं, कमाल के फीचर के साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन का इंटरफेस काफी लाजवाब है। यहाँ पे अगर बात करें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फीचर की, जो कि फिलहाल के टाइम में एक कमाल की बैटरी लाइफ, तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में आपको कमाल की बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। एक ही साइज में हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है, AMOLED डिस्प्ले भी दोनों स्मार्टफोन में है। दोनों स्मार्टफोन में हमें फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अच्छे से बैटरी ऑप्टिमाइज करता है। तो ओवरऑल सेम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, बट ऑन पेपर बात करें तो यहाँ पे हमें सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस में देखने को मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, USB Type-C के साथ में। यहाँ पे आपको 25W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा, 10W की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी जो है वो देखने को मिलेगी। और यही बात करें MI 10 की, तो यहाँ पे आपको एक तो उससे बड़ी 4780 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 30W का चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड वर्ल्ड का सबसे फास्ट 30W वायरलेस चार्जिंग जो है वो देखने को मिलता है, जो कि एक स्मार्टफोन का एडवांटेज मैं कहूँगा। इसी के साथ 10W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात करें ऑन पेपर हमें MI के स्मार्टफोन में ज़्यादा बैटरी एंड ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का भी जो है वो सपोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करें प्राइसिंग की, तो यहाँ पे अगर फिलहाल के मार्केट के ऊपर नज़र डालें तो सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस हमें देखने को मिलता है 78,000 में, 8GB के RAM, 128GB का स्टोरेज, जो कि एक 4G वेरियंट है। एंड यहाँ पे बात करें MI 10 की, तो यहाँ पे 8GB के RAM, 128GB का स्टोरेज हमें देखने को मिलता है 50,000 में, जो कि एक 5G वेरियंट है। तो यहाँ पे MI 10 में हमें थोड़े से एडवांटेज भी देखने को मिलते हैं, तो थोड़े से डिसएडवांटेज भी जो है वो देखने को मिलते। तो अब यहाँ पे बात आती है कि किस स्मार्टफोन की तरफ जाए, तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस के लिए आपको 30,000 ज़्यादा देने पड़ते हैं। और यहाँ पे बात करें MI 10 की, तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन हमें 50,000 में देखने को मिलता है, बट इस 50,000 में हमें कुछ कुछ चीज़ें S20 प्लस से ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है, जिसमें कि इसका कमाल का परफॉर्मेंस है, कमाल की बैटरी लाइफ है एंड एक प्रोफेशनल कैमरा इस स्मार्टफोन में जो है वो देखने को मिलता है। बाकी भी और कमाल के फीचर हमें देखने को मिलते हैं, बट ये जो है स्मार्टफोन की हाईलाइट है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे कहूँगा कि अगर आपको एक बेहतरीन गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना है और आपके लिए कोई ब्रांड मैटर नहीं करता है एंड आपको बेहतरीन कैमरा चाहिए, तो आप बेझिझक Xiaomi के MI 10 की तरफ जाइए, क्योंकि ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन फीचर के साथ आता है। बट यहाँ पे अगर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करनी है, तो यहाँ पे सैमसंग एक तो ब्रांड वैल्यू काफ़ी कमाल की है, इसके साथ इसकी जो सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी लाजवाब है, बाकी भी बहुत सारे कमाल
कमाल कमाल के फीचर आपको देखने को मिलते हैं, बट कंपेयर टू MI 10 थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। बट डिपेंड आप पे है कि आप किस ब्रांड की तरफ जाएंगे और आपकी क्या क्या प्रायोरिटी है। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आया, आप किस ब्रांड के फैन है, क्या आप सैमसंग के फैन है या फिर Xiaomi के, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहोगे, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ऐसे इंटरेस्ट सकते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए या फिर स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए, तो हमारे इस वेक्टर टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।